हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ टूथ वाली जो वीडियो है आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इससे पहले हमने मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ टूथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ टूथ में हम देखेंगे कि टूथ हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा जो ये टूथ का पार्ट है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन टूथ। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो वो होता है क्राउन। क्राउन इज़ द पार्ट ऑफ टूथ वी कैन सी। यहाँ पर ये जो वाइट कलर का क्राउन पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन। इट इज़ नॉट कवर्ड बाय द गम, ये मसूड़ों से ढका हुआ नहीं होता है। ऊपर जो ये वाइट कलर का पार्ट होता है इसे हम टूथ कहते हैं, और उसके ऊपर एक इनेमल की जो है लेयर पाई जाती है। फिर सेकंड यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द क्राउन ऑफ ईच टूथ इज़ कवर्ड विद इनेमल। जितने भी ये दांत होते हैं हमारे जो वाइट हमें दिखते हैं उसके ऊपर इनेमल की एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है जिससे हमारे दांतों का कलर वाइट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, शाइनी होती है, और ये एक अच्छे सब्सटेंस से बनी होती है जिससे हमारे दांत जो हैं हमें सफ़ेद और चमकदार दिखाई देते हैं। इट्स प्रोटेक्ट द इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ, ये अंदर के पार्ट्स की भी प्रोटेक्शन करती है। अगर हम सही ढंग से हमारे दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा जो ये क्राउन एरिया होता है टूथ का, ये जो इनेमल वाली जो लेयर होती है ये धीरे धीरे घिसना चालू हो जाती है और इसका कलर जो है वाइट से येलो होने लगता है। अगर आप ज़्यादा मीठा या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड वगैरह, तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ जाती है जिससे इस ये इनेमल की लेयर जो है धीरे धीरे येलोइश होने लगती है, और येलोइश होने लगने के कारण हमारे दांतों का रंग पीला दिखाई देने लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और ये शाइनी सरफेस जो होती है इसकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है डेंटाइन। डेंटिन में देखिए आप, इसके जो नीचे का पार्ट है वो डेंटिन होता है। डेंटिन कहाँ पर पाया जाता है, लाइज अंडर द इनेमल। इनेमल के नीचे जो हिस्सा होता है वो डेंटिन वाला होता है। इट्स मेक अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है डेंटिन का, ये। तो ये इतना बड़ा हिस्सा जो है यह क्या होता है, टूथ का होता है। इट इज़ हार्ड बट नॉट एज मच एज द इनेमल, ये वाला हिस्सा भी हार्ड होता है, पर जितना हार्ड इनेमल होता है उतना हार्ड ये नहीं होता है। सो डेंटिन क्या करता है, डेंटिन प्रोटेक्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, सबसे अंदर का जो हमारा टूथ का हिस्सा होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पल्प। ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है इनेमल है, ये डेंटिन है, और ये पल्प है। तो इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, डेंटिन करता है। ओके फ्रेंड्स, सो द पल्प इज़ द प्लेस वेयर ईच टूथ नर्व एंडिंग। ये पल्प वो जगह होती है, क्या होती है कि द पल्प इज़ द प्लेस वेयर ईच टूथ नर्व, जो ये पूरा टूथ है इसकी नर्व की जो एंडिंग होती है और ब्लड का जो सप्लाई होता है वो यहाँ पर इस स्थान पर पाया जाता है। व्हेन वी बाइट एन आइस बार वी फील अ सेंसेशन इन द पल्प। देखिए हमारे जो दांतों की सारी नसें जो आपको यहाँ पर इस तरह से ग्रीन और ब्लू कलर में, रेड और ब्लू में दिख रही है, ये पल्प वाले हिस्से में ही पाई जाती है। जब भी हम कोई भी ऐसी ठंडी गर्म चीज़ खाते हैं जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, और हमारे दांतों में जो झंझनाहट सेंसेशन पैदा होता है वो इस एरिया में होता है, यहाँ पर होता है। ओके फ्रेंड्स, सो नर्व की जो एंडिंग होती है इनसाइड द पल्प सेंड मैसेज टू द ब्रेन। ये क्या करती है, जैसे ही यहाँ पर इसको कोई भी जिससे कि संपर्क में आती है तो ये मैसेज जो है नर्व्स अपने ब्रेन को भेजती है उसके बारे में, और जो पल्प क्या करता है, देन आल्सो कंटेन द टूथ ब्लड वेसल्स, इसके अंदर पूरी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, द पल्प गोज ऑल द वे डाउन इन द रूट ऑफ द टूथ। ये जो हिस्सा है ये जड़ वाला हिस्सा है जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है मसूड़ों में, जो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें केवल ये क्राउन पार्ट दिखाई देता है। सो इसके अंदर का जो टूथ का जो जड़ वाला हिस्सा होता है विच इज़ द अंडर द गम, कहाँ पाया जाता है, अंडर द गम, ये हमारे गम्स हैं
ये जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं ये हमारे गम्स हैं, और ये जो सीमेंटम एरिया है ये क्या होता है, इस ये क्या बनाता है, रूट का हिस्सा बनाता है। जो हमारा ये पूरा टूथ है इसका जो रूट का हिस्सा होता है वो जो किससे बनाता है, सीमेंटम, और विच इज़ एनकोर्ड टू द जॉ बोन। ये कहाँ से जुड़ा होता है, जॉ बोन से। जॉ बोन मतलब हमारे जबड़े की जो हड्डी होती है वहाँ से ये जॉइंट रहता है। तो ये जो पूरा एक है इसे हम टूथ बोलते हैं। ये हमारे एक दांत का स्ट्रक्चर है। ऐसे हमारे 22 दांत जो होते हैं हमारी मुंह के अंदर होते हैं जिसे हम पूरा टूथ बोलते हैं। तो ये इनेमल है, पल्प, डेंटाइन, गम, सीमेंटम, जॉ बोन, और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्राउन एंड रूट। क्राउन ऊपरी हिस्सा होता है, रूट निचला हिस्सा होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।